सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और कुछ अपडेट्स जो भी होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज इस चीज को फॉरवर्ड अपने दूसरे लोगों तक कीजिए ताकि उन्हें पता नहीं है, इसलिए आप उनको ये चीज शेयर कर दीजिए। तो दो तीन चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है और अपडेट्स है। और स्पेशली सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है वेबिनार को लेकर के, जो आज हमारा होने वाला है कॉर्पोरेट वेबिनार विथ मिस्टर ऐश मुफारे, सारे फाउंडर्स के लिए होने वाला है, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि जो इसका टाइम है वो है 12 बजे का ईएसटी टाइम, लेकिन इंडियन टाइम की एग्जैक्टली अगर बात करते हैं तो रात में 9:30 बजे 9:30 PM इंडियन टाइम। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 9 PM और बांग्लादेश की बात करते हैं तो 10 PM का ये टाइम है। तो इसका टाइम का आप ख्याल रखिए, ये बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो जाता है वेबिनार। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आप थोड़ा पहले ही आधा घंटा पहले ऐड होने की कोशिश करिए, क्योंकि 20,000 से ज्यादा जो है जूम में जो कैपेसिटी होती नहीं, तो जूम में आप जो अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर आप 9:30 बजे बाद इंटर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पहले 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही उसमें इंटर होने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जो है वहां पर जगह मिल जाए। अपडेट्स काफी सारी आएंगी, बहुत ज्यादा अपडेट्स आएंगी, क्योंकि ऐश सर अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी लॉन्चिंग की स्टेज में है, पूरी तरह से लॉन्च होने जा रहा है उन पर बहुत जल्दी, तो अपडेट्स बहुत अच्छी आएंगी। क्या क्या अपडेट्स आती है उस वेबिनार को अटेंड करने के बाद हमें सब पता चलने वाला है। तो अपने फाउंडर्स तक जब भी ये लिंक आ चुकी है ऑलरेडी, माफ कीजिएगा, आप बैक ऑफिस में जाइए, वहां पर मौजूद है। और आपकी ईमेल पे नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है क्या कि ईमेल पर आती नहीं है, बाय चांस कभी आती, कभी लेट हो जाती है, तो बिल्कुल पैनिक मत हुआ करिए। कभी कभी जो है सिस्टम अपडेट होता है, कुछ होता है, तो कई बार लिंक नहीं आती है ईमेल के ऊपर, तो इसका टेंशन मत लीजिए। ऑलरेडी व्हाट्सएप पे और आप बैक ऑफिस में जाएंगे ofounders.net की साइट पे तो लोग शेयरिंग मैक्सिमम कर देते हैं, तो मेन तो ofounders.net पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यहां पर ही आती है, वेबिनार तो आपका ठीक है अटेंड आप कर लेंगे, दैट्स वेरी गुड, अपडेट भी बहुत अच्छी आएंगी। उसके बाद में एक दो चीजें और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वेबसाइट तो आप जैसे देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे, बहुत खूबसूरत हमारी जो आती है वेबसाइट, ये वेनसडे के दिन की है, कल ही ये वेबसाइट आई थी, बहुत ही अमेजिंग है, इसको भी आप देखिए। और इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, वो ये है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन ये बड़े काम की होती है, इस पर मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था कि देखिए ofounders.net की कई बार साइट हम गूगल पे जाके बार बार सर्च करना पड़ता है, तो आपको बहुत सिंपल सा ऑप्शन बताता हूं। देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जो है कहीं भी ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, या फिर बोले कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट ऑन पैसिव की उसकी भी कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ना ही ofounders.net की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के रूप में है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी गूगल पे बार बार सर्च करते हैं तो आपको बार बार ये सर्च करने की दिक्कत से, एक सिंपल सा मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि स्क्रीन पे भी देख लीजिए आप कि ofounders.net आप सर्च कीजिए पहले गूगल पे, और साइड में आप जैसे बिंदु देख रहे हैं, वो डॉट्स देख रहे हैं, उस डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ऐड टू होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा है आप जैसे नीचे देख रहे हैं, उस पर क्लिक मार दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो मोबाइल की स्क्रीन पे होम पेज पर जो है वो ofounders.net या जो भी आप वेबसाइट onpassive.com उसको डायरेक्टली जो आपके होम स्क्रीन पे जोड़ सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा गूगल पे जाके, और कहीं भी जो फर्जी ऐप जो प्ले स्टोर पे डली है वो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगी। सिंपली होम स्क्रीन पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, जो ओपन कर दीजिए। बात छोटी सी है लेकिन पते की है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो उनके लिए इंफॉर्मेशन वाली चीज है। और इसके अलावा एक चीज और मैं शेयर करूंगा, वो ये है प्रोफाइल, राइट, प्रोफाइल पिक्चर को लेकर के मैं आपकी चीज शेयर कर रहा हूं। ये प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, यहां पर भी कई लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम को पता है लेकिन फिर भी कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको प्रोफाइल की पिक्चर जो है डाल नहीं पाते, सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन प्रोफाइल में पिक्चर हमारी जो है अपलोड नहीं होती है। इसके लिए बहुत सा सिंपल सा ऑप्शन है, आप प्रोफाइल में जाते हैं, वहां बटन आता है, आप देखेंगे तो वहां पर आप जैसे ही अपलोड करने जाएंगे तो कई बार फेल्ड हो जाता है, और वहां पर साइज बताता है कि 2 MB, राइट, 2 MB से ज्यादा जो साइज आप नहीं ले पाएंगे, इससे ज्यादा बड़ा फोटो वहां जाएगा नहीं। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि 2 MB का हम कहां से भैया इसको अपलोड कर पाएंगे, तो 2 MB का हम अपने जो बोल सकते हैं कि हमारे पिक्चर को 2 MB का कहां से बनाएं, तो ये एक समस्या आ जाती है कई लोगों के साथ। बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको टेक्निकली ये चीज छोटी सी है पर पता नहीं है, उन्हें बता दें आप कुछ मत करिए, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आप देखेंगे जो रिड्यूस करने का आपकी जो प्रोफाइल होती है, जो भी पिक्चर होती है, किसी भी पिक्चर को जो शॉर्ट करने का ऑप्शन वहां मौजूद होता है, बहुत सारी ऐप आपको मिल जाएगी,
तो वहां आप ऐप में जाइए और वहां पे देखिए कि पिक्चर रिड्यूस करने के कौन से जो है ऐप आती है, वहां पे ढेर सारी आपको मिल जाएगी, जो उसमें से आपको बेस्ट लगे उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपका कितना भी बड़ा आपका पिक्चर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी एमबी का क्यों ना हो, वो आप उसमें कन्वर्ट करके 2 MB या उससे कम कर सकते हैं और फिर उसे जो है उसमें डाउनलोड कर लीजिए और फिर जो है उसको आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में डाल लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है ये, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, इसलिए जो है आप कंटिन्यू अपडेट्स लेते रहिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए काफ़ी सारी लाते रहते हैं। और पेंडिंग फाउंडर को लेकर के अभी भी डेट अभी देखिए अभी कुछ भी नहीं है, अभी हो सकता है कि हमारा जो वेबिनार है उसमें कुछ अपडेट आ जाए, तो इस वेबिनार को अटेंड जरूर करिए। लेकिन जब तक पेंडिंग फाउंडर पोजीशन अवेलेबल है भाई, तो आप अपने फाउंडर्स को कोशिश करिए कि जिनको भी आप बाद में रीसेलर या कस्टमर बन के आए उससे पहले उसको फाउंडर बना दीजिए भाई, तो ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो बस ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिसमें से कुछ चीजें मैं रिपीट भी करता हूं ताकि आपको एक रिमाइंडर आए भाई कि ये जरूरी है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही आपको बड़ा बनाती है। तो बाय बाय गाइस।